वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़, दूरस्थ ये सीमांत ये जिला है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी का सीमांत जिला, उसके बाद में यहाँ से आगे गंगोत्री क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत आबादी होती थी, हम लोग बचपन में यहाँ पे, हमारा यहाँ पे भी एक छोटा सा मकान है और 4 महीने 5 महीने यहाँ रहते थे और 5 महीने दूसरा जो गांव है रौतल वहाँ रहते थे। लेकिन आज एक पर्यटक के तौर पे हम यहाँ पे इन खेतों को देखने के लिए बदहाली देखते हुए बड़ा बहुत ही कष्ट हो रहा है हमें, और ये त्रासदी दिखानी ज़रूरी है। कौन बचाएगा इस संस्कृति को? कोई बचाने वाला है नहीं। क्या सरकार की तरफ से यहाँ कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? वो खेती जो बहुत लहलाती थी, किसी समय में सोना उगलने वाली है धरती, यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ सिर्फ यहाँ नदी है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था है, क्यारे होते थे यहाँ पे, और आज ये क्यारे बंजर देख के बहुत ज़्यादा दुख की अनुभूति हो रही। देखिए हवेली, यह भी हमारी यहाँ पर परिवार है, ये हमारे चाचा लोगों का मकान है जो बहुत काफ़ी भव्य ये मकान बनाया हुआ है, और क्या सोच उस समय थी और क्या आज हो गया ये देख के बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। ये सिर्फ वॉइस ऑफ माउंटेन के तहत आप इस नज़ारे को देख पा रहे हैं। बहुत दुख होता है, हमने कभी सोचा नहीं था जीवन में कि ऐसा भी यहाँ हो जाएगा। इंच इंच के लिए लोग लड़ते थे, ये हमारा ओडा, ये हमारी ज़मीन, ये हमारा वो, और पानी के लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, आज हमारे पानी की बारी है कल तुम्हारी है। ऐसे यहाँ पे बारी वाइज दो दो चार चार खेत में एक दिन में रोपनी लगती थी, और अब रोपनी का सीज़न आने वाला है, लेकिन यहाँ कहीं भी सिर्फ जंगली पेड़ पौधे हैं, जंगली घास उग गई इन खेतों में, जहाँ धान पैदा होता था, जहाँ सोना पैदा होता, इस मिट्टी में सोना बहुत ही पैदावार क्षेत्र थे, और इसको देख के बहुत ही ज़्यादा आज दुख हो रहा है। वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए आरपी शर्मा यहाँ पे पहुँचा है, और ये क्षेत्र जो उत्तरकाशी ज़िले में बहुत अच्छा ज़िला माना जाता है, और पलायन की दृष्टि से भी यहाँ पलायन कम हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा होगा ऐसा हमने सुना था कि बहुत कम पलायन है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए यहाँ पे देखा तो इतना ज़्यादा पलायन हो जाएगा, ये स्थिति हो जाएगी, ये हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं था। नगर का नगर पूरा बंजर, तमाम खेत, और ऐसे में याद आती है भू कानून की, क्योंकि चकबंदी अगर होती यहाँ पे, ये खेत कम से कम 20 परिवारों के हैं, और यहाँ पे उत्तराखंड में छोटे छोटे गांव होते हैं, और यहाँ पे 2-3 गांव में लोगों का निवास है जो यहाँ के ग्रामीण हैं। अगर एक ही जगह पे सबके खेत होते तो कोई ना कोई इन खेतों को ज़रूर आबाद रखता। चकबंदी भू कानून बहुत ज़रूरी कानून है जो उत्तराखंड सरकार ने अब तक लागू नहीं किया, बहुप्रतीक्षित ये कानून है जिसकी दंश झेल रहे ये क्षेत्र। बहुत ही उपजाऊ ज़मीन यहाँ की थी, ये यहाँ पे सेम डिब ग्राम है, तिलपड़ गांव है, और इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पे कई ग्राम सभाएं हैं जो तमाम ये घरों में लटके हुए ताले बहुत आवाज कभी होते थे। ये बंजर घर, ये तमाम खेती आज सूनी पड़ी है। विकास की राह जहाँ हम कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, वो सारे नारे यहाँ पे फेल होते दिख रहे हैं, और ये बंजर ज़मीन ये मांग कर रही है कि भू कानून की, कि भू कानून अगर हो आदमी के पास में, अगर 10 खेत 20 खेत 50 खेत एक ही जगह पे हो जाए, तो छोटे छोटे यहाँ पे खेत होते हैं ये जो खेत हैं, तो आदमी या कोई भी व्यवस्था यहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी पैसे वाले हो गए हैं और पलायन यहाँ से कर गए हैं, इस तरह से ये मकान पलायन की त्रासदी व्यक्त करते हुए। इसी ज़माने में लोगों ने यहाँ बड़े बड़े आलीशान घर बनाए थे, यहाँ पे पूरी आबादी थी,
ये नदी है यहाँ पे जो कलकल छलछल बहती हुई जा रही है, यहीं से इसी नदी से नहरें निकाल के सिंचाई की व्यवस्था होती थी। और 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, आज भी ये यहाँ की नदी है, नदी का पानी है, ये बहुत लंबी नदी है जो ऊपर सेमुखेम क्षेत्र से बह रही है ये नदी, और ये आगे नीचे जाके गंगा जी को मिलती है। तमाम खेत बंजर दिखते हुए खेत, यहाँ की विडम्बना, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं बहुत लंबा चौड़ा ये क्षेत्र है। गमरी घाट बड़े नामी ये स्थान होता था, ये गांव, ये नहरें थी, इधर से पानी जाता था खेतों में, और बड़ी बड़ी खूब बहुत अच्छा बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे सब कुछ है। सिर्फ अब इधर से ये मकान थे, हर तरह से चाचे पढ़ा। हाँ, सारे यहाँ पैदल ऊँड गए। देखो ये हमारी चाची जी हैं जो पूरे अकेले इस मकान में अब यहाँ निवास कर रहे हैं। बच्चे सब कोई पहुँच में है, कोई कहीं कोई कहीं, बंजर पड़ गया पूरी जमीन। और डुंडा भ्रमण के दौरान मैं आप पहुँचा हूँ एक भोटिया जो अपने मोनेस्ट्री में, और ये तिब्बती लोग हैं, भोटिया लोग हैं, और ये जड़ी बूटियों का भी कारोबार करते हैं, जो हिमालय के दुर्लभ क्षेत्रों से जड़ी बूटियाँ, इस तरह से ये जड़ी बूटियाँ हैं। ज़रा इनके बारे में आप बताएंगे, क्या आपका क्या शुभ नाम? हाँ जी, डोली देवी है जी। डोली देवी जी, ये जड़ी बूटियाँ किस किस काम आती है आपके यहाँ? मैंने सुना है कि भाई शुगर की और वो सारी दवाइयाँ मिलती है, क्या क्या है वो? ये फरन है, लादू भी कहते हैं इसको, फरन है। अच्छा, ये फरन है, ये तड़के के काम आता है, ये तड़के के काम आता है, जीरे के जैसे जीरा यूज करते हैं ना ऐसे। अच्छा, और ये है चोरा, ये चोरा है, ये किस काम आता है? ये सर्दियों में चाय में डाल के भी पीते हैं। अच्छा, आम गला दर्द सही होता है इससे, ये पैकेटों में बना रखा है ये सर्दियों के लिए, ये पड़ता है ये, और दाल में भी इसको उपयोग होता है, मसाले में उपयोग होता है। उसके अलावा ये है कड़वी, ये कड़वी है, शुगर के काम आता है ये, शुगर के लिए। तो ये शुगर की बहुत रामबाण औषधि है, जो शुगर के पेशेंट है इसको किस तरह से उपयोग करते हैं इसका? इसको आधा उबालते हैं पानी में ना जी, खूब उबाल के इसको तब एक बोतल में डाल दो। हाँ, सुबह खाली पेट पियो इसको। तो इसको एक बार उबाल के रख दिया तो ये कई दिनों तक ये यूज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा कड़वा होता है, कड़वा होता है, इसको दो बार यूज कर, एक बार उबालने के बाद फिर दोबारा भी उबाल सकते हैं इसको। और मैंने सुना मतलब कितना भी शुगर हो जड़ से ये खत्म करने की क्षमता रखती है जड़ी बूटी, ये अति कड़वी है, ये अति कड़वी। और मैंने भी चाहिए नहीं आपको, एक आर्चा होता है। हाँ, एक आर्चा होता है, वो किस काम आता है आर्चा? ये होता है पैर में, जैसे घूम चोट लग जाता है। हाँ, और पैर में पुराना दर्द सूजन उसके काम आता है, इसको घिस के। हाँ, तब ये हल्दी जैसा रंग छोड़ता है। अच्छा, ये आर्चा का लेप लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो चलो मेरे लिए आपने कर दिया, ये कड़वी भी कर दी, और ये सब चीज़ें लादू चोरा ये मैंने यहाँ से परचेज कर लिए। तो ये था डुंडा मोनेस्ट्री के, और जिसको भी शुगर है देश में, जो भी शुगर के लोग हैं वो उत्तरकाशी आए और इसी दुकान पे मिलता है, या और भी दुकानें होंगी? एक दुकान और है ऊपर। हाँ, ये आप कहाँ से लाते हो? हिमालय? हिमालय से, बकरी वालों से लेते हैं, हम भी जा नहीं पाते। हाँ, बकरी वाले जाते हैं ना ऊपर, भेड़ बकरी वाले। अच्छा जी, तब उनसे लेते हैं। अच्छा, उनसे लेते हैं वो ये सब चीज़ें, ये मतलब हिमालय की बड़ी दुर्लभ। तो ये शुगर के पेशेंट्स हैं जिनको चोट लग गए, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, ये लोग इस दवाइयों को बहुत ही बर्फ़ के नीचे ये उगती है वहाँ से इसको लाया जाता है। तो ये मोनेस्ट्री डुंडा उत्तरकाशी से आरपी शर्मा लाए, धन्यवाद। ये जो शहर आप देख रहे हैं उत्तरकाशी का डुंडा ब्लॉक है, और डुंडा ब्लॉक का शहर है ये डुंडा उत्तरकाशी, और यहाँ पे अपने
लोकल लोगों के अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी एक मोनिस्ट्री है, तिब्बतियों का मार्केट है, तिब्बती लोग यहाँ पे रहते हैं। ऊपर इनके घरों में जो झंडे से अलग से ही दिख जाते हैं तिब्बतियों के। तो ये लोग यहाँ पे पशुपालन, भेड़ पालन, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। उसके अलावा ये हिमालयी क्षेत्र में जाके वहाँ से दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी वहाँ से एकत्रित करके जयत्रानंद पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ऐ जावा ऐ जावा।